क्या आपको भी ऐसा लगता है कि आप कितने भी पूजा पाठ कर ले, कितने भी मंत्रों का जप कर ले, चाहे कितना भी परिश्रम कर ले, कितनी भी प्रसन्न कर ले माता लक्ष्मी को, माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न नहीं होती? क्या समय समय पर आपके मुख से भी यह शब्द निकलता है कि पता नहीं परमात्मा की क्या दुश्मनी है मुझसे? मैंने खुद सुना है, मेरे पास कंसल्टेंसी के लिए जो लोग आते हैं उसमें से कुछ इतने फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, कुछ लोग इतने परेशान होते हैं कि वह मेरे पास आते ही कहते हैं कि दीदी मेरा कोई इलाज नहीं, मैं आपसे बस मिलने बात करने आया हूँ, मुझे कोई उपाय नहीं चाहिए, क्योंकि भगवान मुझसे दुश्मनी रखते हैं, मेरा किस्मत कभी साथ ही नहीं दे सकता, मेरा सौभाग्य कभी जाग ही नहीं सकता, इस तरह की बातें कहते हैं। तो मैं मुस्कुराती हूँ, कहती हूँ ऐसा नहीं है। इंसान जो होता है उसका पेशेंस बहुत कम होता है, हर मनुष्य का। और एक समय के बाद जब आपका लक साथ नहीं देता, आपकी किस्मत साथ नहीं देती, तब मनुष्य थक हार कर यह शब्द बोलने के लिए मजबूर हो जाता है। तो क्या आप भी लंबे समय से परिश्रम कर रहे हैं और उसका परिणाम आपको नहीं मिल रहा? एक दुकान है आपकी जिसे समय पर आप खोलते हैं, समय पर बंद करते हैं, खूब लग कर कस्टमर्स के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, डिस्काउंट पर डिस्काउंट प्राइस देते हैं, परंतु आपके दुकान नहीं चलती, कस्टमर्स आते हैं और फिर रास्ता भूल जाते हैं। कुछ समय के बाद आप अपने ही पुराने ग्राहकों से मिलते हैं और कहते हैं आते क्यों नहीं हो दुकान पर, तो वो कहते हैं मैं तो भूल गया आपकी भी दुकान है, अच्छा मैं आऊंगा। अर्थात एक बात याद रखिए, आपकी जो दुकान है उसकी छवि धूमिल हो रही है, वह लोगों के दिमाग से हट रहा है। आप कुछ बिजनेस व्यापार प्रारंभ करते हैं, लोगों से मिलते हैं, उन्हें बताते हैं मेरा ये बिजनेस है, आपको चाहिए होगा तो आना, उसके बाद लोग भूल जाते हैं। दोबारा आप जब मिलते हैं तो आपको ये जवाब सुनने को मिलता है कि अरे हाँ आपने बताया था, हम भूल गए। यानी कि आपकी जो छवि है वो इतनी हल्की पड़ गई है समाज में कि अब धूमिल हो रही है, भूल जा रहे हैं लोग आपको, आपकी दुकान को, आपकी बातों को, आपके किए मेहनत को भूल जा रहे हैं। तकदीर आपका साथ नहीं दे रही है, दुकान आपकी नहीं चलती, बिजनेस व्यापार आपका नहीं चलता। आप पूजा पाठ मंत्र सब जप करके देख लिए, जब कोई कार्य ना करे काम, तब आज का ये दुर्लभ उपाय आपके लिए, मैं कहती हूँ गलती से भी इस चीज को बांध कर लटका दिया यदि आपने अपने घर के बाहर, उसी दिन से इतने पैसे मिलेंगे नोट गिनते गिनते थक जाओगे, नकली बारिश नहीं होगी, दरवाजे पर बैग नहीं मिलेगा, छत पर बंडल नहीं गिरेंगे नोट के, लेकिन जहां जहां से आय के स्रोत है वहां वहां से आय प्राप्त होना प्रारंभ हो जाएंगे, नौकरी होगी तो पदोन्नति हो जाएगी, दुकान होगी तो ग्राहकों की लाइन लग जाएगी, घर से कुछ बेचते होंगे, व्यापार करते होंगे तो वह व्यापार तेजी से चलने लगेगा, घर में यदि आपके बच्चे पढ़ लिख कर बैठे हैं, जॉब नहीं है, सबको जॉब हो जाएगी, कुल मिलाकर चारों दिशाओं से धन आने लगेगा। और जब धन आने के सारे मार्ग खुल जाएं, चारों दिशाओं से धन आने लगे, तो बन जाओगे अमीर, हो जाओगे करोड़पति। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह, बहुत स्वागत बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल एस्ट्रो खुशबू सिंह में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलें, यही वो मंत्र है जो जीवन को अद्भुत रूप से बदल देता है रातों रात। तो सोते जागते, चलते फिरते, खाते पीते, फूलों में जल डालते वक्त, चाहे गाड़ी चलाते वक्त, बच्चों को स्कूल लाते पहुंचाते वक्त, या सब्जी भाजी खरीदते वक्त भी ओम नमः शिवाय का जप रखा करो जिह्वा पर। बेकार फालतू के गाने बोलते हो ना, हाय हेलो बोलते हो, सबको ओम नमः शिवाय बोला करो। अगर तकदीर ना बदल जाए किस दिन के भीतर, तो कहना समस्याएं आएंगी, अपने साथ समाधान लेकर आएंगे। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस परिवार का हिस्सा बनिए, किस्मत बदल जाएगी, ऐसे ऐसे दिव्य और दुर्लभ प्रयोग बताती हूँ मैं अपने इस चैनल पर। धन नहीं है, गरीबी है, कमी है, कंगाली है, बदहाली है, एक चीज छुओ चार चीज हाथ लगते हैं और पैसे घर से निकल रहे हैं, समय समय पर घर में लोग बीमार पड़ रहे हैं, जो भी तुम्हारी सेविंग है बचत है सब डॉक्टर को देने पड़ते हैं,
साल भर कुछ बचाते हो, साल के अंत में बेटा आता है और उड़ा देता है सारे पैसों को, पानी की तरह बहा देता है। तो ये सारे इसी चीज का हिस्सा है कि तुम्हारे घर का सौभाग्य नहीं जाग रहा, तुम्हारा घर फलित नहीं है। तुम बाहर कमा कर पैसे तो घर लेकर आते हो, घर की ही किस्मत सोई है इसलिए धन घर आता ही नहीं। तो चलो आज घर की किस्मत जगाते हैं। एक छोटी सी बात कहना चाहूंगी, मेरी तस्वीर या वीडियो दिखाकर किसी भी सोशल साइट पर कहीं भी किसी भी अन्य नाम के चैनल से आपसे पैसे मांगे जाए कि ये उपाय कर देना या तो माँ से बात करा दूंगी ये पैसे दो, पैसे मत देना वो मैं नहीं हूँ, उसे ब्लॉक करो। कोई भी नंबर जारी नहीं किया है मैंने अभी तक, तो कोई भी नंबर जारी किया गया हो तो उसे ब्लॉक करो। मैं जब अपना नंबर जारी करूंगी तो मेरे इसी चैनल पर करूंगी। अभी किसी को एक रुपया नहीं देना है, दान दक्षिणा नहीं देना है, अभी करोड़पति खुद बनना है। पैसे कमा लोगे फिर देना, किसी मंदिर का रिपेयर करवा देना, किसी बच्चे की फीस भर देना, किसी कन्या के विवाह में थोड़ा सहयोग कर देना, समझूंगी मेरी फीस मुझ तक पहुंच गई। चलो आज एक छोटा सा दुर्लभ प्रयोग बताती हूँ जिसे बैठे बिठाए धन आएगा, अमीर बन जाओगे, माला माल बन जाओगे। शुक्रवार के दिन, किसी भी माह के शुक्ल पक्ष के शुक्रवार के दिन एक सूती का लाल कपड़ा लेना। लाल जो रंग होता है वो माता लक्ष्मी को अति प्रिय है, वो धन का रंग है। एक सूती का लाल रंग का कपड़ा लेना और तुम्हें उसमें लेनी है काली रंग की राई। काली राई जो होती है वो राहु होता है, जो नेगेटिविटी कोई नहीं भगा सकता वो राहु भगाता है। राहु बहुत दुर्लभ है, राहु मित्र बन जाए तो मत पूछो क्या क्या मिलेंगे। आपको इस लाल कपड़े में एक मुट्ठी काली राई बांध देनी है, किसी भी धागे से बांधकर एक पोटली बनानी है। अब ध्यान से सुनिए, थोड़ा सा गन्ने का रस ले लीजिए, गन्ने का रस अद्भुत चीज है। आप कई एस्ट्रोलॉजर इस पर आंकते हैं कि गन्ने का रस है क्या। कोई इसे मंगल का सूचक बोलता है, कोई इसे गुरु कहता है, कोई ये लिक्विड फॉर्म में होता है इसलिए चंद्रमा से भी इसे जोड़ा जाता है। वास्तव में गन्ने का रस गुरु और सूर्य का मिश्रण होता है, एक ऐसा मिश्रण जिसमें सूर्य के भी गुण है और गुरु के भी। आपको इस पोटली को गन्ने के रस में डुबाकर एक बार निकाल देना है, भीग जाएगा, टपकने लगेगा, कहीं भी लटका दीजिए धूप में ताकि ये सूख जाए। परंतु सारी राय गन्ने के रस से भीग जाएगी, सारे कपड़ा भी गन्ने के रस से भीग जाएगा। लो तैयार हो गई हमारी किस्मत खोलने वाली पोटली। अपने घर के मुख्य द्वार पर शुक्रवार के दिन इस पोटली को बांध कर लटका देना और बस ये वहीं लटका रहेगा। जब भी धूप दीप दिखाते हो अपने घर में इस पर भी दिखा देना। यह एक ऐसा चमत्कारिक प्रयोग है, इसे लटका देने मात्र से चारों दिशाओं से धन खींचकर आपके घर आएगा, आपके घर का सौभाग्य जाग जाएगा, माला माल हो जाओगे, बन जाओगे करोड़पति। अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें, खूब पैसे कमाए आप, सारी कमियां दूर हो जाए, माँ लक्ष्मी की कृपा बरसे आप पर। बहुत बहुत धन्यवाद।